नमस्कार, एक्जोटिक वेब इंडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हमारे साथ है आज सूरत की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट मोना चेतन देसाई। मोना जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले विश्व महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं। मोना जी के बारे में हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, क्योंकि मोना जी काफ़ी छाई हुई है सूरत में अभी अभी। और जिस तरह से वो सोशल काम करती है, समाज के लिए एक सेवा का कार्य करती है, वो सराहनीय है। और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कैसे की, और एक समाज सेवा करनी, और वो भी परिवार को साथ में रख के एक समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए ऐसे काम करना कि लोग याद रखें, तो ऐसे काम मोना जी करती है। तो मोना जी, फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और मोना जी के बारे में थोड़ा और बताऊँगी कि वो लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3232F2 में वो सर्विस एक्टिविटी की कोऑर्डिनेटर है। साथ में चैरिस संस्था जो एनजीओ है उनकी ट्रस्टी है, और साथ में एक और जगह पे भी ट्रस्टी है, वो है मोहन भाई रघुनाथ जी नायक अमृत महोत्सव जो संस्था है उनकी भी वो ट्रस्टी है। तो ये जगह पे जो काम करती है, पर सबसे पहले मोना जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी अभी आप काफ़ी जगहों पे दिख रही है, लेकिन आपकी शुरुआत एक समाज के लिए कुछ करने की भावना आपको कैसे आई? नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। 2014 तक मैं खाली हाउसवाइफ थी जी, यानी घर में रहना, और दो बच्चे हैं मेरे, तो बच्चे का पालन पोषण था। और मेरे जो फादर इन लॉ जो मोहन भाई रघुनाथ जी नायक है, वो हमारे समाज में बहुत ही बड़ी हस्ती थी। तो घर में इतने सारे गेस्ट आते थे, वर्ल्ड के जितने भी गेस्ट होंगे ना, शायद मेरे घर पे आते थे। तो पूरे दिन खाना बनाना, बच्चे को, गेस्ट ही इतने आते रहते थे कि गर्म नाश्ता, ये सब मैं उलझी रहती थी। फिर 2013 में मेरी मदर इन लॉ, पहले 2010 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई और 2013 में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई। फिर बड़े बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं करूँ। अभी घर में मेड थे तो इतना तो काम तो होता नहीं था। फिर बाद में तो, क्योंकि फादर इन लॉ के, मदर इन लॉ की बात के बाद क्या हुआ कि गेस्ट थोड़े कम हो गए घर में। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने एक छोटी सी किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो भी कैसी कि मेरी जो बेटी पढ़ती थी उसकी मदर के साथ जी, तो जी, मैं किटी पार्टी में जाने लगी जी। वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा, पर इतना नहीं, जैसे मुझे लगा कि ये क्या है, ये हाउजी, ये सब क्या है, मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था। फिर बाद में एक टर्न ऐसा आया कि मेरी किटी पार्टी में एक मेरी फ्रेंड थी तनाजवा अच्छा करके, उसने मुझे ये चैरिस एनजीओ में लेके गई जी। वहाँ पे एक बार, पहली बार मैं जब चैरिस ज्वाइन किया, पहली बार हम लोग जुवेनाइल होम जो है उसकी लड़कियाँ है उनको लेके हम वाटर पार्क में गए, छप छपा वाटर पार्क में जी। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे वो बच्चियों को हमने वहाँ पे पूरा दिन का पिकनिक करवाया। वहाँ पे मुझे बहुत मजा आया, मुझे लगा कि मुझे बस यही करना है जी। तभी 2014 से मैंने टर्न लिया जी। और जो एक ही साल मेरा जो किडी था वो सब छोड़ दिया। उसके 2014 में जब चेरिस मैंने फिर ज्वाइन ही कर दिया जी। और उसके बाद से लेके 2020 तक बहुत सारी सोशल एक्टिविटी में ही बिजी रहती हूँ जी। मतलब आपने जहाँ से शुरुआत की
वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ प्रेरणा मिली और वहाँ से आप कुछ मोटिवेट हुई और आपने ये कार्य मतलब समाज की जी सेवा करने की जो भावना थी वो आपकी एकदम से बाहर आई और आप करने लगी। पर मैं और एक बात भी पूछना चाहूँगी कि जो लायंस क्लब इंटरनेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप उसमें आप जुड़ी है और वहाँ पे आपने जिस तरह से बताया कि सर्विस एक्टिविटी की आप कोऑर्डिनेटर है, ये सर्विस एक्टिविटी मीन्स कि ये जो काम है वो बहुत बड़ा काम होता है और जिस तरह से लायंस क्लब कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये संस्था चल रही है और काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपका कार्य इसमें किस तरह का है? लायंस क्लब इंटरनेशनल जो 210 कंट्रीज़ में है, इसमें बहुत सारी मल्टीपल है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट 3-2, 3-2F2 यानी भरूच से लेके बिलाड़ तक, ये जी एक डिस्ट्रिक्ट में जी 80 क्लब है। हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल ये जो फेलोशिप और सर्विस में मानती है, तो जी सर्विस तो होती है और कम्युनिटी में हमारा जो लायंस क्लब का है बहुत अग्रेसर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जितनी भी क्लबें सर्विस करती है वो प्रेसिडेंट उनका रिपोर्ट करना होता है, जी तो वो सब सर्विस एक्टिविटी की रिपोर्ट मुझे करनी होती है और मैं मल्टीपल में और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल में रिपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ जितनी भी सर्विस एक्टिविटी होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा भी योगदान रहता ही है, जी क्योंकि जब सर्विस एक्टिविटी के हम हेड बनते हैं तो जी कुछ ना कुछ हमारा भी इसमें योगदान रहता है। जी जी तो वो जी मेरा एक अच्छा काम था और जी मुझे जब ये, वैसे पहले मैं प्रेसिडेंट थी फिर जोन चेयरमैन बनी, हमारा एक एक आगे प्रधान रहता है तो जी उसमें फिर रीजन चेयरमैन बनी, उसके बाद ये जीएसटी का मैंने पोर्टफोलियो लिया है। तो जी ये जीएसटी सर्विस एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, जैसे ग्लोबल सर्विस टीम होती है हमारी, उसकी मैं जी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वो सब जी काम मेरा इतना अच्छा है कि सर्विस एक्टिविटी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जी अभी अभी हाल ही में हमने SMC जी वेसू फायर स्टेशन पे एक डेड बॉडी फ्रीजर दिया, जो जी सर्विस एक्टिविटी की कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पे वो फ्रीज़र SMC को डोनेट किया है। जी जी तो जी ये सब काम लायंस क्लब से मैं करती हूँ अभी। जी 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 वैसे तो बहुत सारा काम आपने किया है, लेकिन ऐसा कोई कार्य रहा हो कि जो आपकी लाइफ जर्नी में कुछ एक्सक्लूसिव रहा हो, जो आपको हर बार हर काम में वो याद आ रहा हो, ऐसी कोई बात? हम लोग जब मैं चैरिस में ज्वाइन हुई, फिर लायंस क्लब सूरत सिटी लाइट में, मैं तो चैरिस में NGO में ही थी, फिर हमारे एक टर्न आया कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें बताया कि भाई आप लायंस में आ जाओ, अच्छा है, ये है, वो है। पहले तो मैंने ना बोल दिया था कि भाई मेरे को लायंस में नहीं आना है, फिर मुझे लगा कि चलो सर्विस एक्टिविटी इधर भी करनी है वहाँ भी करनी है तो जाती जी हूँ। फिर जब मैं लायंस ज्वाइन किया तब हमने एक मन बुद्धि की बहुत सारी जो स्पेशल जो अपने दिव्यांग किड्स बोलते हैं जी उनके स्कूल में हम जाया करते थे, वहाँ पे भी एक जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बच्चे वैसे 35 साल के होते हैं पर अपने लिए वो छोटे होते हैं, छोटे वो उनके साथ जो बातें होती है उनके साथ जो मज़ा आता है। फिर हमने क्या किया कि दिवाली हो या जी क्रिसमस हो जो भी हो हम लोग वो दिव्यांग बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करते थे। जी और आदिवासी बच्चे अहवाड़ा, मेरा जो पोर्टफोलियो मैं पूरे लायंस क्लब में जानी जाती हूँ कि ये मोनाबेन देसाई यानी ट्राइबल एरिया में काम करने वाली लेडी, तो वहाँ पे भी हम जब जाते हैं उनका डिसिप्लिन, वो जो हमें ऑनर देते हैं और उन जी वो जो नीडी है वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा लाइफ पूरा टर्न कर देते हैं वो लोग। जी 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 बहुत ही अच्छी, मतलब जिस तरह से लोगों की आप हेल्प करती थे उसी में भी आपको आप खुद मोटिवेट हो जाती हो यस और यस आपको एक स्ट्रांगनेस मतलब ऐसा लगता है कि आप और काम करती जाए और लोगों के लिए काम करती जाए, ऐसा यस ही आपको एक ऐसा फील हो फील रहा होता है। है। यस जी जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप एक दूसरी एक संस्था में मोहन भाई रूपनाथ जी संस्थान में भी आप ट्रस्टी रही है, तो वहाँ आप क्या कार्य करती है? ये मोहन भाई रुगना जी यानी मेरे फादर इन लोग के नाम से ही संस्था है। उन्होंने जब 75 ईयर का उनको उन्होंने अमृत महोत्सव एक सेलिब्रेट किया था, बर्थडे बोलते हैं जिसको अमृत महोत्सव, तब उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और उन्होंने वो ट्रस्ट बना दिया। जी वो ट्रस्ट से हम लोग अभी स्कॉलरशिप और विधवा सहाय दो चलता जी है, जो किसी को पता भी नहीं है शायद, ये जी शायद ये एग्जीक्यूटिव मीडिया में फर्स्ट टाइम मैं बोल जी रही हूँ, क्योंकि कभी जी हम लोग फेसबुक पे भी नहीं डालते हैं या कभी जी भी मीडिया पे जी आता ही नहीं है। तो जी ये विधवा सहाय और पूरा स्कॉलरशिप में जाता है और हमारे समाज के ही वैसे लेते हैं, पर जी कभी कभी अगर कोई दूसरे समाज का भी आ जाता है और बहुत नीडी है तो उसमें से हम लोग हेल्प करते जी हैं। जी जी तो वो जी मेरे ऑफिस से ही ये काम चलता है पूरा। जी 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 मोना जी बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपने बोला कि
ये संस्था जो काम करती है वो एक स्कॉलरशिप देने के लिए काम करती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं होती है, उनको आप स्कॉलरशिप देती है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ में जिस तरह से बोला आपने कि विधवा सहाय भी आप करती है, तो उन लोगों को भी ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि परिवार का सदस्य अगर जाता है, अगर महिला विधवा हो जाती है, उसके बाद उनको जो पूरे घर की जवाबदारी होती है संभालना पड़ता है। आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब मतलब ऐसे लोग बहुत नीडी होते हैं, और उनको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो उनके आशीर्वाद बहुत मिलते हैं, और उन्हीं से ही हमारा सब कुछ चलता रहता है, ऐसा हम मान सकते हैं जी। बट मोना जी, इतने सारे काम आप करती है, लोगों के साथ भी रहती है, तो आपने क्या कुछ ऐसा अनुभव किया हो कि आपके साथ ऐसा कोई अनुभव मतलब एक्सक्लूसिव रहा हो, वो तो है ही, बट यादगार प्रसंग रहा हो ऐसा कोई अनुभव? यादगार प्रसंग में तो मैंने बोला ना कि जब हम लोग ये जुवेनाइल की लड़कियों के लेके गए थे वाटर पार्क में, तो शायद पहली बार वो लड़की आई थी वहाँ पे, और उन्होंने जो वो माहौल देखा और वहाँ उनको जो खुशी मिली, उसके बाद हम वृद्धाश्रम जो बाठा वृद्धाश्रम है, उनके जो जितने भी ओल्ड एज है उनको लेके हम हर साल 5 महादेव लेके जाते हैं जी, हर साल श्रावण महीना में उन लोगों को लेके जाते हैं। उनके चेहरे पे जो वहाँ पे खुशी मिलती है ना, वो अनुभव मेरे को हमेशा मेरे माइंड में रहता है, और हर साल वो लोग मुझे याद करते हैं कि मोना कब आएगी, मुझे कब लेके जाएगी, वो अनुभव मेरे माइंड में पूरा रहता है, और उसी से मैं हमेशा मोटिवेट होती रहती हूँ। जी 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 जी। और साथ साथ में हम उनके परिवार की भी बात करेंगे, क्योंकि जब एक सोशल काम करने वाली कोई महिला है तो उनको परिवार के साथ चल के ये काम करना होता है, क्योंकि सोशल काम जो करना होता है वो हर जगह पे हर टाइम पे एवरी टाइम पे सब कुछ करना होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 2 घंटे के लिए निकले हो और 5 घंटे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके परिवार का सपोर्ट और परिवार ने कैसे आपको हेल्प किया? यह मैंने जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, परिवार के बिना कुछ है ही नहीं। सही, और मैं तो परिवार के बिना यहाँ पे भी नहीं हूँ, ये जो आप मेरा इंटरव्यू ले रही है वो शायद मेरा परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाती। मेरा परिवार पहले से ही पूरा सेवा में भरे हुए है, जैसे हमने बहुत सारे हमारे खुद की स्कूल चल रही है जूनियर केजी तो लेके 12 तक, हमारे वलसाड़ करके पास में अटार गांव, वहाँ पे हम लोग एक स्कूल चल रहा है जो पूरे फादर इन लॉ ने बनाई थी स्कूल, वहाँ पे अभी मेरे ब्रदर इन लॉ संभाल रहे हैं उसकी, और वहाँ पे पूरी फीस 0, पूरे ट्राइबल एरिया के बच्चे आते हैं और कोई भी फी नहीं है, पर पूरी स्कूल हमारी बहुत बढ़िया चलती है जी, जी। और फिर ये गाय पगला मंदिर है वहाँ पे भी, हाँ, आप अगर जाओगे ना तो मेरी सास के नाम पे, मेरे ससुर के नाम पे बहुत सारा मिलेगा जी। तो पहले से ही घर में ऐसा है कि भाई सेवा में कभी कोई पैसे के लिए ना नहीं बोलता जी, जी, तो जब मैं सेवा के लिए आई तो मेरे हस्बैंड ने पूरा बोल दिया कि भाई तेरे को जितना खर्चा करना हो, तुझे जो करना हो। और दूसरी बात ये की थी कि मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक है और मेरा हाथ का खाना उनको इतना पसंद है। अभी क्या होता है कि मैं बाहर जाती हूँ और मैं तो ट्राइबल एरिया में जाती हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं घर पे वापस नहीं आती, तो जो कुक बनाती है वो खा लेते हैं, तो वो मेन सपोर्ट है कि वो भी खा लेते हैं जी 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 जी। और मुझे मेरी बेटी भी जब 10th में थी अभी अगले साल, तो उसने भी मुझे बोला था कि तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरा A1 ग्रेड आएगा, तो बच्चे भी, मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर हुआ है VIIT यूनिवर्सिटी से, तो साईं बाबा की कृपा से बच्चे भी पढ़ने भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी अपना पढ़ाई भी कर लेते हैं, हस्बैंड भी जब मैं बाहर जाती हूँ 2-3 दिन के लिए भी जाना होता है तो वो घर पे रहते हैं, वो पूरा घर संभाल लेते हैं, जैसे बेटी पढ़ती है नहीं पढ़ती है सब देख लेते हैं, तो वो सपोर्ट मेरा पूरा है, तो वो तो परिवार है तो भाई यहाँ पे हूँ जी जी जी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल फैमिली का ही होता है। हम कुछ भी करें, महिला कुछ भी करे, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकती, उनके साथ अगर परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मोना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज मुझे भी प्राउड फील होता है कि आप बहुत अच्छा काम करती, मैं देखती रहती हूँ आपको, बट आज आपकी बात तो सुन के मुझे ऐसा लगा कि सही में आप बहुत ही अच्छा काम करती है। जाते जाते मोना जी, हमारी जो महिला है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये वुमेंस डे तो है ही, वुमेंस डे पे तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी होगी
कि जो घर में ही है, जिस तरह से आपने बात बात बताई कि मैं घर में ही रही इतने साल, मैंने ये सब घर में ही काम किया हुआ, और अचानक से एक कहानी ऐसी बनी कि आपके लाइफ में मोड़ आ गया, मोड़ आ गया। तो हमारी महिलाओं को भी कुछ अच्छा संदेश आप दे दीजिए। महिलाओं को बस संदेश यही है कि काम करने के लिए और कुछ भी कुछ अच्छा काम करने के लिए कोई भी उम्र ऐसी नहीं है कि हम काम नहीं कर पाए जी। मैंने 16 साल हाउसवाइफ के बाद काम किया और आज मैं ये पोजीशन पे हूँ। और महिला, एक महिला अगर दूसरी महिला का सपोर्ट करेगी तो हम कुछ भी अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे यामिनी जी अभी मुझे मदद कर रही हैं इंटरव्यू में, तो ये एक, ये भी एक अच्छी पहचान है ना जी, जी, कि एक फीमेल दूसरी फीमेल का इंटरव्यू कर रही है और ये सोशल मीडिया पे जब जाएगा तो ये भी एक अच्छा ही काम है, वो ये भी एक वुमन एम्पावरमेंट ही है। तो बस महिलाओं को बस मुझे यही है कि आप सबका सम्मान करें और महिला एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू जी। बहुत ही अच्छी बात कही मोना जी की, एक महिला महिला की जब हेल्प करेगी तो समाज में काफ़ी कुछ कर सकती है। लेकिन हमारे समाज में थोड़ा ऐसा बदलाव आया है कि महिला ही महिला की दुश्मन हो रही है, शायद ऐसा होता है कहीं कहीं जगह पे ऐसा हो रहा है। बट अगर एक साथ मिलके सब काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है सामने, मतलब जिस तरह से आप काम करना चाहते हो उसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। एक सपोर्ट एंड मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आज आपके इंटरव्यू देख के भी काफ़ी लोग मोटिवेट हुए होंगे जिस तरह से आपने आपकी लाइफ जर्नी बताई है। और हमारा जो कार्यक्रम है विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो मोना देसाई हमारे साथ थी, वो सोशल एक्टिविस्ट थी और काफ़ी सारी संस्थाओं में वो काम करती है। ऐसी महिला के साथ हमने आज बातें की और आप सबको उनकी जर्नी बताई, और सबको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वेबसाइट पे भी ज़रूर जाइए। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में बहुत कुछ करती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ज़रूर हमारा ये शो देखिए, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हमारे सूरत में ऐसी महिलाएं भी है जो समाज में बहुत कुछ करती है। तो वापस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ वापस मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।